हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से सनफ्लावर के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे कि सूरजमुखी भी बोलते हैं। इनका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देता है। येलो कलर के फ्लावर जब आपके गार्डन में खिलते हैं तो आपके गार्डन की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं इसकी कम्प्लीट केयर बताने वाली हूँ आप लोगों को, कि इस प्लांट से आपको कैसे हैवी फ्लावर्स लेना है अपने गार्डन में ऐड करके, कैसे इसकी केयर करनी है। इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। पहले मैं फ्लावरिंग की बात करती हूँ। इसमें फ्लावर्स के 3 टाइप्स आते हैं फ्रेंड। एक बिग साइज़ का फ्लावर्स आता है, जिसमें बहुत ही बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। दूसरा मीडियम साइज़ का आता है और तीसरा स्मॉल साइज़ का। तो 3 कलर्स के फ्लावर आते हैं। तो मेरे गार्डन में ये एक प्लांट अवेलेबल है और मैंने इसे 2 पॉट में लगा रखा है और दोनों ही पॉट में प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही। देखिए, प्लांट अच्छी सी हेल्दी सी ग्रोथ कर रहा है और इसमें ढेर सारी अलग अलग ब्रांचेस बनती जा रही हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। अभी स्टार्टिंग में इसके फूल कम ही खिल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा अभी इसकी केयर वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप भी इस प्लांट की केयर कर पाएंगे। वैसे तो ये अभी फ्लावरिंग कर रहा है, आगे जब रेनी सीजन स्टार्ट होगी तो बारिश में प्लांट की ग्रोथ और भी तेज़ी से होती है और उस समय भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो काफ़ी लंबा समय है इसके फ्लावरिंग का, तो इसमें अच्छे से फूल खिल के आ रहे हैं। मेरे प्लांट में भी फूल खिलते ही जा रहे हैं। देखिए, जो फूल खिले हैं वो 2-4 दिन में स्पेंट हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे फ्लावर स्पेंट है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए ही रखा हुआ था। जैसे ही फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उन्हें कट करके हटा दीजिए तो प्लांट की ग्रोथ और भी तेज़ी से होगी और नए नए इस तरह से बर्ड्स बनते जाएंगे। तो बस अभी जस्ट रिकॉर्डिंग के बाद मैं जितने भी स्पेंट फ्लावर दिखा रही हूँ उन सभी को कट करके हटा दूंगी। तो इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक हैवी ब्लूमिंग करने वाला ये सनफ्लावर का प्लांट है। तो इस प्लांट की केयर कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप अपने सनफ्लावर के प्लांट से अच्छी सी फ्लावरिंग ले सकते हैं और पूरे समर आपके गार्डन में वो बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी सॉइल मिक्सचर की बात करेंगे। जब कोई प्लांट बहुत अच्छी सी ग्रोथ करता है, टॉल वैरायटी का होता है और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस बना के ढेर सारे फूल खिलने होते हैं, वो भी लंबे समय तक, तो आपको उसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो परफेक्ट बनानी पड़ती है। जितनी अच्छी सॉइल मिक्सचर बनाएंगे ना, प्लांट उतना ही अच्छा ग्रोथ करके आएगा और कंटिन्यू उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। सॉइल मिक्सचर मैंने जो दिया था उसमें मैंने वेल्ड्रन सॉइल बनाई थी। गार्डन सॉइल तो आपको ऐड करना ही करना है, साथ में थोड़ा सा रिवर्स सैंड भी ऐड करेंगे और उसके साथ कॉम्पोस्ट ऐड देंगे ना, तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने वाला है और उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। ये वाला देखिए, प्लांट मेरे कितने मल्टीपल ब्रांचेस बन के आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको सॉइल मिक्सचर बनाया, ऐसा वेल्ड्रन सॉइल कंपोस्ट ऐड करके बनाना है और उसमें प्लांट को रिपोर्ट करना है, तो इस तरह से प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। उसके बाद सनलाइट की बात करेंगे, क्योंकि ये सनफ्लावर है और इसको बहुत अच्छी सी सनलाइट चाहिए होती है, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग करता है। न्यू मल्टीपल जो ब्रांचेज है वो तो बनती हैं, कलियाँ भी बनती रहती है। तो आप इसको 3 से 4 घंटे की सनलाइट में रखिए। इससे ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो फूल खिल के आएंगे ना वो जल्दी से बर्न हो जाएंगे और स्पेंट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 3 से 4 घंटे की सनलाइट में रखना है प्लांट। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में एक तो इनकी लीव्स बर्न होती है। देखिए, ये मेरे प्लांट की लीव्स बर्न होने लगी है। तो एक्चुअली ये बहुत बिग साइज़ का पॉट है तो मैं इसे शिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसकी एक भी लीव्स आपको बर्न नहीं दिखेगी। मैं इसको ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिलती है। तो देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, बिग साइज की लीव्स हैं और मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हैं। तो इस तरह से आपको 3 से 4 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की सनलाइट देनी है, तो प्लांट ग्रोथ भी करेगा, फूल भी खिलेगा। उसके बाद वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग तो इस टाइम पर इसके लिए मस्ट है। आपको एक दिन में 2 बार वाटरिंग करनी है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में, लेकिन वो भी चेक करके करना है। जैसे सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है और आप उसमें वाटरिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, जो प्लांट है वो रूट रोट भी कर सकता है। रूट से यानी कि जड़ से ही पूरा जो प्लांट है ना वो ड्राई होकर सूख के ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि गर्मी पड़ रही है तो आँख बंद करके पानी डालते जाएं, ऐसा नहीं है। सॉइल जब ड्राई दिखे तो आप एक दिन में 2 बार वाटरिंग कर सकते हैं। सॉइल में हल्की सी नमी है, एक बार के वाटरिंग से ही इसका काम चल रहा है, तो एक बार वाटरिंग करनी है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि इसको गर्मी से राहत देने के लिए प्लांट पर हल्की सी शावरिंग करती रहनी है। 2-3 दिन में एक बार आप प्लांट पर शावर दे देंगे ना तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। और ये वाला जो जैसे मेरा लीव्स देखिए बर्न हो रहा है ना, ऐसे ये बर्न नहीं होगा। तो इस तरह से आपको लिमिटेड वाटरिंग करनी है, ध्यान से इसमें वाटरिंग करनी है और शावर भी देना है। उसके बाद कंपोस्ट की बात करें तो जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं ना तो प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए इसमें कंपोस्ट ऐड करना ही पड़ता है, तभी प्लांट इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस बनाता है। देखिए, हर एक लीव से न्यू ब्रांच बन के आ रही, क्योंकि मैंने इसमें काउडंग कंपोस्ट ऐड किया था।
तो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और हम पत्तियों की जो खाद बनाते हैं अपने जो गार्डन से वेस्ट लीव्स निकलती है उनसे जो खाद बनाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो आप कंपोस्ट है ना वो प्लांट में ऐड करेंगे। रिपोर्टिंग में आप जब एक बार प्लांट को कंपोस्ट ऐड करके सॉइल मिक्सचर बना के प्लांट रिपोर्ट कर देंगे तो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा, फूल खिलते रहेंगे। और जब ये प्लांट कंटिन्यू फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे, ढेरों फूल खिलने शुरू हो जाए, तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिएगा। लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे ना तो और ज़्यादा इसमें कलियाँ बन के आएंगी, फूल खिलेंगी। मैं हर 10 से 15 दिन की गैप पे इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, तो इस वजह से इसमें हर एक लीव से न्यू ब्रांचेस बन के आ रही हैं और उसमें कलियाँ बनती जा रही है। देखिए कैसे हर एक लीव से कलियाँ बनती जा रही है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला है। तो आपको इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करते रहना है। मेरे चैनल पर बहुत सारे फ्रेंड के कमेंट आते हैं कि आपके गार्डन में फ्लावर जो होते हैं वो बहुत अधिक क्वांटिटी में खिलते हैं, हमारे जो प्लांट में फूल नहीं खिलते हैं। तो फ्रेंड मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि प्लांट में ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए आपको लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करना है। आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते इसलिए आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद अपने प्लांट की केयर कीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइजर में आपको बनाना पील, ऑरेंज पील, अनियन पील का फर्टिलाइजर ऐड करना है। इन तीनों फर्टिलाइजर को ऐड करने से आपके प्लांट में कंटिन्यू कलियाँ भी बनेंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे, वो भी बिग साइज के। तो इस तरह से आपको लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करके जो आपका सनफ्लावर का प्लांट है उसे कंटिन्यू फ्लावरिंग लेते रहना है, वो भी पूरे समर। तो ये हो गए इसका कंपोस्ट और फर्टिलाइजर। उसके बाद इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो प्लांट का प्रोपोगेशन सीड्स के थ्रू ही होता है। इसमें जो ये सीड पॉट बन जाते हैं फ्लावर्स के ड्राई होने के बाद, इसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं, तो उसी से आप जो प्लांट है उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन का टाइम होता है, सीडलिंग का जो टाइम होता है वो फरवरी मार्च होता है। फरवरी मार्च में इसकी सीडलिंग करते हैं तो 2 से 3 महीने में प्लांट तैयार हो जाते हैं और उसके बाद पूरे समर आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन है, आप इसे नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। तो जो मेरा प्लांट देख रहे हैं ये मैंने ना नर्सरी से परचेज किया है ना ही मैंने इसे प्रोपोगेट किया है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास सीड से ग्रो हुए थे तो उन्होंने मुझे 2-4 प्लांट दिए थे। तो देखिए कुछ प्लांट यहाँ लगाए हैं, कुछ प्लांट मैंने यहाँ पर लगाए हैं और सभी प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से आप इसे सीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करें कि प्लांट पर कई बार पेस्ट का अटैक हो जाता है। प्लांट में जो छोटे छोटे पेस्ट है ना वो लग जाते हैं, तो आपको हमेशा प्लांट को चेक करते रहना है। जब भी आपको प्लांट में कोई पेस्ट वगैरह दिखे तो आप नीम ऑयल या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे तो जितने भी पेस्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरह से आप पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं पेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये थी सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के पौधे की कंप्लीट केयर, इससे फूल लेने का तरीका। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर तरह की प्लांट की केयर वीडियो देखने को मिल जाएगी। जल्दी किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात करूँगी, तब तक अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।